हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपके सामने निफ्टी लेके आया हूँ। कल जैसे आपने 19 तारीख को क्लोजिंग देखा होगा, एक अच्छी गिरावट के साथ 10149 पॉइंट के लॉस के साथ 10303 पे क्लोजिंग किया है। 1.43% का डाउन दिखाया है, जो कि अच्छा तो लुक नहीं है। देखेंगे तो एडवांसेस 10-18 एडवांसेस हैं और 30 डिक्लाइन है और दो अनचेंज्ड हैं। इसमें आप देखेंगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सन फार्मा, विडेल, कोटक बैंक और ITSC ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वहीं पर लूजर्स में इंडिया बुल हाउसिंग, SCLTech, यस बैंक, रिलायंस, HDFC अच्छे खासे गिरावट के साथ। सबसे ज़्यादा गिरावट देखेंगे तो इंडिया बुल हाउसिंग में 16% के साथ गिरावट हुई है। अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अच्छी खासा ये गिरा है। अगर इंडेक्स की बात करो तो आप देखेंगे कि इंडेक्स में सारे लाल निशान में आपको बंद हुआ है, चाहे कोई भी हो, चाहे Nifty 50 हो, चाहे Nifty 100 हो, चाहे आप सभी देखिए निफ्टी मिड कैप 100 हो। और इंडिया विक्स की बात करें तो ये देखिए 10 पॉइंट प्लस होकर के आपको 19.7 वापस 20 के आसपास चला गया, जो कि यहाँ से गिर के 17 तक चला गया था। और आपको पहले भी बताया है जब जब विक्स बढ़ेगा तो ये मार्केट गिरेगा, तो वही ट्रेंड चल रहा है। अभी सेक्टर की बात करें तो आप सेक्टर में देखेंगे केवल निफ्टी FMCG में गेन है, निफ्टी मेटल में गेन है और PSU बैंक में गेन है। कल जो मेन आपको देखेंगे तो जिसने मार्केट को गिराया है, मेनली आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज ने गिराया है 1.274 और ऑटो सेक्टर ने 1.64% और मीडिया सेक्टर देखिए 2.11 और IT सेक्टर 3.16। ये चारों सेक्टर ने मिलकर पूरी निफ्टी को कल गिरा दिया। आप देखेंगे तो ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर FII और DII की सेल बिक्री देखें तो FII ने 618 करोड़ की सेल की है, DII ने 2 करोड़ की सेल की है। इसमें बहुत ज़्यादा सेल खरीद बिक्री नहीं हुआ है, तो FII DII में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और कोई मैक्रो इकोनॉमी भी बहुत ख़राब नहीं है, क्रूड ऐसा नहीं है बहुत ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया या नीचे चला गया, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको उस पर भी देखिए, अगर आप देखें ऑटो सेक्टर में देखें, फाइनेंस सेक्टर में देखिए, तो देखिए जो गिरावट मिली आप देखिए, एडलविस 14 पॉइंट के साथ, IIFL 46 पॉइंट, इंडिया बोल देखिए 129 पॉइंट के साथ 16%। क्या इन्होंने मार्केट को तोड़ा है? और HDFC देखिए, ये अपने 52 वीक लो पे आ चुकी है 1637 पे, 72 पॉइंट तोड़ के। आप देखेंगे कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने जो होम लोन को डिसबर्समेंट किया है वो गलत ढंग से किया, RBI पॉलिसी के अगेंस्ट में किया हुआ है। जो RBI ने इंडिकेट किया था उससे ज़्यादा, अगर 1 रुपया का था तो 1.5 रुपये तक डिसबर्स कर दिया है। और उसी में न्यूज़ भी आया है कि एक सुपर टेक कंपनी है जिसने इंडिया बुल हाउसिंग सबसे ज़्यादा उसमें एक्सपोजर है, तो उसका पेड नहीं कर पाएगा, सुपर टेक डिफॉल्ट हुआ है, इसलिए कल और भी NB सेक्टर को गिराया। NBFC के साथ साथ देखेंगे तो और इन लोगों ने अच्छा खासा IT सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा गिराया है। IT सेक्टर में भी देखेंगे तो OFS देखिए 118 पॉइंट के साथ गिरा, इन्फोसिस टेक, महिंद्रा, SCLTech, माइंडट्री ने तो कल सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। माइंडट्री 158 पॉइंट के साथ 16% की गिरावट कल दर्ज की गई है। तो जहाँ विप्रो और इन्फीबीम जैसे शेयर थे थोड़ा ऊपर दिखाया है, और आप देखेंगे विप्रो अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो वहीं माइंडी जैसे शेयर ने गिरावट दिखाई है। तो ये कुछ निफ्टी के शेयर थे। अब अगर मैं आपको SGX निफ्टी दिखाऊँ जो कल क्लोज हुआ है, तो इसने भी थोड़ी गिरावट के साथ 51 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ 273 पे क्लोजिंग दी है। तो सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट तो थोड़ा निगेटिव बना है, ऐसा नहीं है कि सेंटीमेंट निगेटिव नहीं है। अगर मैं आपको बाहर की डाउ जोन्स USA की मार्केट दिखाऊं तो USA फ्यूचर में थोड़ा 54 पॉइंट का गेन दिखाया है, न्यूट्रल है ये, थोड़ा सा देखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट पे SPI, NASDAQ, SMLX। वही मैं USID और NR के कन्वर्सन देखो तो ये भी प्लस पॉइंट पे 73.47, 33 पैसे कमजोर हुआ है US डॉलर, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कॉमोडिटी में देखेंगे तो थोड़ा ब्रेंट क्रूड में गेन हुआ है, 71 पैसे का गेन है, जो 80 के नीचे गया था वापस 80 पे आया। बट ये इतना इम्पैक्ट नहीं है कि आप सोचेंगे कि मार्केट इतना गिर जाएगा। अब अगर मैं चलिए इसके पुट कॉल रेशियो को आपको दिखाऊं तो देखिए ये 10303 पे क्लोजिंग हुई है 19 तारीख को, ये 25 अक्टूबर को है। तो पुट कॉल को वापस हम देखते हैं, जिसको हम अक्सर देखते हैं। मेरे अंदाज से पूछे तो दो, अभी आप देखेंगे 9500 में वापस कॉल राइटिंग हो रही है, 9600 पे राइटिंग हो रही है, 9700 पे राइटिंग हो रही है, आप 9800 पे भी राइटिंग हो रही है, 9900 पे भी राइटिंग होने लगी। लोग अब नीचे की ओर सोचने लगे हैं। अब देखेंगे तो आप देखिए 10,000 पे 2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ है, टोटल ओपन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 33 लाख का हो गया। 10,100 पे देखें तो 18 लाख का हो गया, 10,200 पे देखें तो 26 लाख का,
तो अब देखेंगे तो आप ये नीचे की ओर कल बहुत ज़्यादा ही कॉल राइटिंग हुई है। अब लोगों का जो बिलीव हो रहा है ऐसा लग रहा है, डाटा जो बोलता है, भले आप वॉल्यूम नहीं है इसमें 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 8 लाख, इस वॉल्यूम को अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी 10-200 पे, जो कि अब 10-500 या 400 पे जा रहा था, अब 10-200 पे देखेंगे तो 22 लाख ओपन इंटरेस्ट, 26 लाख ओपन इंटरेस्ट के साथ 5 लाख 20 शेयर का ओपन वॉल्यूम हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। और अब जहाँ जहाँ 10-600 पे एडिशन हो रहा था, आप देखेंगे तो 10-500 से अनवाइंडिंग हो रहा है, 10-400 से अनवाइंडिंग हो रहा है, और अब यह नीचे की ओर जा रहा है। तो सपोर्ट जो ऊपर की ओर बढ़ रहा था वो अब नीचे की ओर दिखने लगा। कॉल में भी देखेंगे तो थोड़े सा चेंजेज हुआ है, जो 11,000 पे और आप देख रहे थे कि कॉल राइटिंग हो रही थी, वहाँ पे देखिए अब अनवाइंडिंग हो रही है, और अब सबसे ज़्यादा 10-600 पे जो हुआ है कॉल राइटिंग हुआ है, 12,09,000 शेयर का टोटल ओपन वॉल्यूम देखें, ओपन इंटरेस्ट देखें टोटल, तो 43 लाख क्यूमलेटिव है, और 37 लाख 10,700 पे है, 10,800 पे 36 लाख का। तो अब देखें तो जो 11,000 की ओर स्प्रेड एकदम जोर से हो रहा था वो रुक गया है, और अब जो दायरा बन गया है वो 10,600 पे, चूंकि 43 लाख सबसे ज़्यादा का है, और 10,000 पे 33,000 का है, तो 10,000 से 10,600 का रेंज बन चुका है ये। लेकिन मैं इतने भी ब्रॉड रेंज नहीं दूंगा आपको, मुझे जो लग रहा है 10,200 उसके बाद 10,300, तो 10,300 से 10,600 के बीच में मार्केट अभी हो सकता है अपने रेंज में रहे। ये जिस तरफ के रेंज को तोड़ेगा, अगर 10,300 को तोड़ेगा तो आप मान के चलिए 10,000, और 10,000 तोड़ने के बाद जैसे आप देख ही रहे 9,800, 9,700 तक जाएगा, और अगर 10,600 के रेंज को तोड़ेगा तो 10,800, 11,000 के रेंज को जाएगा। मैं अभी भी फर्म बिलीव हूँ कि ये ऊपर की ओर लेगा, क्योंकि उसका एक कारण और बताता हूँ। अभी भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो आप देखेंगे 43 लाख और 38 लाख और 26 लाख का, 37 लाख का, ये आपको कॉल साइड में ज़्यादा दिख रहा है, कंपेयर टू जब मैं पुट साइड में जाऊँ तो केवल एक 33 लाख का 10,000 पे, बाकी 17 लाख, 18 लाख, 16 लाख ऐसे ही है, 20 लाख, 26 लाख। तो अगर सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो कॉल की ओर खड़ा है, तो मेरा फर्म बिलीव कहता है कि ये ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन मेरे को डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और चार्ट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, SGX निफ्टी भी देखे तो आप देखिए नेगेटिव है, उनको चार्ट भी, अगर मैं आपको चार्ट, इसका चार्ट आपको दिखाऊँ तो देखिए सब नीचे की ओर, चाहे CCI को देखिए, चाहे RSI को देखिए, चाहे आप स्टॉकिस को देखिए, विलियमर्स को देखिए, तो कोई भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहाँ से मेरे को ये फर्म बिलीव हो कि ये थोड़ा उठेगा। अब कल के चार्ट पे क्या बनेगा वो देखेंगे, लेकिन मैं भी अभी भी पॉजिटिव माइंड में हूँ, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये निफ्टी 10,800 जाएगा ही जाएगा, जैसा मैं आपको पहले प्रॉमिस किया हूँ। अभी भी अगर कोई चाहे तो मैं उसको फर्म बिलीव के साथ बता सकता हूँ, अगर वो 10,300, 10,400 का, जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है कॉल 76 रुपये में, इतना लंबा मत लीजिए, आप 10,400 का 54 रुपये पे ले लीजिए, 3,500 का इन्वेस्टमेंट है, अच्छा गेन देगा। क्योंकि अगर मैं 10,600 की भी क्लोजिंग मानूं और 10,400 को ले रहे तो 200 पॉइंट अप जाएगा, तो आपकी इसकी वैल्यू आराम से आपको यहाँ पे 150 पॉइंट तक तो दिखने को मिलेगी। तो भी अगर 56 पे लेते हो 150-100 पॉइंट का मिलता है 54 पे लेके, तो आपको कोई ख़राब नहीं रहेगा, आपको कोई किसी तरह का बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं दिखता है। तो मेरा अभी भी बिलीव है ऊपर की ओर जाएँ, ऊपर की ओर का डाटा को रखें, और कॉल साइड में बने रहें। पोर्ट साइड में आपको रिस्क लेना है तो आप थोड़ा रिस्क कम कर लें, मेरे को अगर आप पूछे तो मैं 9,500 पे आपको बोलूँगा, जहाँ बहुत कॉस्ट नहीं लग रहा, 4 रुपये का कॉस्ट है, इसको लीजिए। और आपको ज़्यादा गेन चाहिए तो आप 9,850 का या 9,900 का ले लीजिए, 12 रुपये पे मिल रहा है, बेहतर होगा 9,900 का ले लीजिए, आपको 75 दुनी 150, तो आपको 750 और 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप 9,900 पे कीजिए और देना होगा। तो अगर नीचे की ओर जाए तो ये डबल ट्रिपल दे देगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस पर मेरा बिलीव नहीं है, और मेरा बिलीव ऊपर की ओर है, इसलिए मैं आपको नीरेस्ट पे नीरेस्ट जाते जा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे खासे रेट पे मिल जाएंगे, अच्छे खासे वैल्यू पे मिल जाएंगे। अब 10,609 रुपये पे मिल रहा है, तो मैं तो 10,600 का ही कॉल बाई करना पसंद करूँगा। अगर 10,600 पे गया तो पर्सनली मेरा होल्डिंग आप देखेंगे 10,600 पे है, मैं खुद भी पर्सनली 10,600 पे लेके बैठा हुआ हूँ, तो मुझे अभी भी कोई अफसोस नहीं है, मुझे है। और पेपर ट्रेडिंग मैं करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग का ये एजुकेशन भी आपको दिया हूँ, ये पेपर एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके लें। कभी भी आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो एटलीस्ट आप सीख जाएं, उसके बाद आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बस ये इतना, नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, जितने लोग को फॉरवर्ड करेंगे उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे और भी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो को उतना ही देखा जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा है,
मैं और भी अच्छे ढंग से आपको ये वीडियो और भी जैसा आपको, और आपका कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट जरूर से जरूर दें ताकि मैं उस पर अपना व्यू रख सकूँ। धन्यवाद।